आज आपसे ये मिलने आए हैं डेप्यूटेशन एनटीटी वाले, आपके क्या कहना है इसके बारे में? आप इनकी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, आज माननीय शिक्षा मंत्री जी रोहित ठाकुर जी के साथ हम लोगों ने सामूहिक डेप्यूटेशन के माध्यम से कुछ मांगे रखी है, जो हमारी एनटीटी की जो संघ के जो हमारे साथी लोग आए थे, तो उनमें से हमारी मांग प्रमुखता ये है कि जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको मान्यता दी जाए, और डिप्लोमा जिन्होंने एक और दो वर्ष का किया है उन्हें भी मान्य, क्योंकि प्रदेश की लगभग 4 या 5 वर्षों से प्रदेश के जो है नर्सरी, जो प्री नर्सरी स्कूल में जो है वो इनकी जो क्लासेस जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन अब सवाल जो उठता है वो 60,000 बच्चों का उठता है, जो प्रदेश के लगभग 60,000 बच्चे जो है वहाँ पे वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूँ कि इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो करके आई है हमारे शिक्षु, इनको जो है वो इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है इनको जल्द ही शुरू किया जाए, ताकि प्रदेश में हमारे, मैं धन्यवादी हूँ प्रदेश की सुख की सरकार का, कि हमें और पूरी आशा भी है कि जल्द ही जो है इनकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो। सर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए जी, आज बजट पेश हुआ, सरकार का पहला बजट था, और हमें पूर्णतः आशा है कि प्रदेश नए आयाम को जो है स्थापित करेगा, जिस प्रकार हर वर्ग के लोगों के लिए, आम जनता के लिए बजट तैयार किया गया है, ये अपने आप में एक कार्यशैली को दर्शाता है कि ये जो दूरदर्शी सोच है, जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की दूरदर्शी सोच है, ये इसका परिणाम है कि आज जो बजट पेश हुआ, चाहे वो मजदूर वर्ग के लिए था, चाहे वो लघु उद्योगों के लिए था, चाहे वो मझोले व्यापारियों के लिए था, और प्रदेश की जनता के लिए था, हमारी माताएं बहनें शिक्षा के स्तर को आगे ले जाने के लिए था, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इससे बेहतर बजट आज दिन तक कभी नहीं हुआ।